हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे। जैव प्रक्रम, मानव श्वसन तंत्र। यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। नाक भारी नथुने का एक जोड़ा होता है और छोटे बालों के रोम नसिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं और भारी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। और सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। स्वर यंत्र, इसे एडम अप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह वह हिस्सा जो खाद्य कणों को निकलने के दौरान उठता और गिरता है। ग्रसनी, नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। यह खाद्य कणों को वायुनली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। उपकंठ एक लोचदार उपास्थि है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करती है। श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाता है। वायु नली की दीवार सी आकार की उपाधि से बनी होती है जो इसे पिचकने से बचाती है। श्वसनी, श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसनी द्वितीय एवं तृतीयक श्रेणी और बाद में श्वसन श्वसनिकाओं में विभाजित होती है जो आगे कूपिकाओं में विभाजित होती है। कूपिका पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म रचना है जो वायु से भरी रहती है। गैसीय विनिमय कूपिका अंदर ही होता है। फेफड़े मनुष्य में श्वसन के मुख्य केंद्र हैं। ये छाती की वक्ष गुहा में रीढ़ हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान में शामिल है। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा काफ़ी बड़ा और भारी होता है। ये आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग, जिसमें नासादार है, मुग्वा, ग्रसनी, कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, ये फुफ्फुस है यानी कि फेफड़े, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका, कोश, डायफ्राम वगैरह आप देख सकते हैं। और ये कूपिका का चित्र है जहाँ पे गैसों का विनिमय होता है। अब सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय क्या होता है, आप ये देखिए, वक्ष गुहा फैलती है सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय वक्ष गुहा सिकुड़ती है। पसलियाँ ऊपर उठती है, पसलियाँ नीचे की ओर बढ़ती हैं। डायफ्राम आकार में सपाट हो जाता है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते समय डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। चलो अभ्यास करते हैं कुछ प्रश्नों का। कूपिका का क्या कार्य है? कूपिका का कार्य मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कूपिका का मुख्य कार्य है, कूपिका में गैसीय विनिमय होता है यानी कि ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। प्रश्न दो है, गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है? गैसीय विनिमय फेफड़ों की कूपिका में होता है। प्रश्न तीन, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ये मैंने अभी अंतर बताया था आपको, ये आप इसमें चार अंतर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। और प्रश्न चार है, मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप उसमें ये वाला चित्र बना सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए, आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आप देखिए, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय उधर आगे की ओर जाता है यानी कि फूलता है क्योंकि डायफ्राम आकार में सपाट हो जाता है। सांस छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है क्योंकि डायफ्राम का आकार गुंबद के आकार का हो जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो है पेट बाहर की तरफ आगे की तरफ जाता है क्योंकि डायफ्राम उसे नीचे की तरफ दबाता है।